हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने डिस्कस कर लिए और आज हम इसका लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो वी विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या प्रूव करनी है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। एज ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो ये था हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या क्या बना, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँगा देखिए अब मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूँगा चेक करते हैं। तो मैं कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। जो चीज़ कॉमन है पहले मैं कॉमन निकालूँगा, ठीक है। तो उसमें से मैं कॉमन निकालूँगा अभी देखो, टेकिंग कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री रेस्पेक्टिवली, एक एक करके कॉलम वन से ए कॉमन निकालें, कॉलम टू से बी कॉमन निकालें, कॉलम थ्री से सी कॉमन निकालें। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ए बी और सी कॉमन आ गया, पर ए कहाँ से कॉमन आया, कॉलम वन से। तो कॉलम वन पे क्या रहेगा, माइनस ए बी और सी, और कॉलम टू से क्या कॉमन आया, बी, और हमारे पास वहाँ पे बच गया ए माइनस बी और सी, चेक करो। और कॉलम थ्री से क्या कॉमन आया, सी, तो हमारे पास बच गया ए बी और माइनस सी। तो ये बच गया, चेक करिए, चेक करो, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम वन से ए, कॉलम टू से बी, कॉलम थ्री से सी कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया। तो अब चेक करो, अब देखो रो, यहाँ सारी ए है, सारा बी है, सारा सी है। तो क्या मैं रो से ए कॉमन निकालूँ, आर वन से ए कॉमन निकालूँ, आर टू से बी और आर थ्री से सी। Taking A B C common from R1, R2, R3 respectively, तो ये मैं कॉमन निकाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी तो पहले था, ए बी सी एक और फिर से बार आ गया, ए फ्रॉम द रो वन, बी फ्रॉम द रो टू, सी फ्रॉम द रो। तो हमारे के पास क्या बच गया, माइनस वन वन वन, चेक कर लो, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन, तो ये बच गया हमारे पास, चेक कर लो, ये बच गया, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो वन 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 बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि रो और कॉलम वन वन बन जाए तो हम देख लेते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमारे पास ये बच गया, ये तो आ गया। तो अब देखो अगर मैं माइनस वन और वन को ऐड कर दूँ यहाँ पे जीरो बन जाएगा, और वन और माइनस वन को फिर से ऐड कर दूँ यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो अब मैं ऑपरेट करूँगा, ऑपरेट कॉलम वन पे कॉलम वन प्लस कॉलम टू, सॉरी कॉलम टू पे, कॉलम टू पे कॉलम वन प्लस कॉलम टू, और कॉलम थ्री पे कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री। तो ये ऑपरेशन मैं ऑपरेट करूँगा, ऐसे लिखेंगे अभी, सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग ही लिख गया। ये कॉलम टू पे, कॉलम टू पे ऑपरेशन लग रहा है, कॉलम टू प्लस कॉलम वन ऐसे लिखना है, क्योंकि जिस रो पे या जिस कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। कॉलम थ्री पे क्या रहे, कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन, ये आ रहा ऑपरेशन। कॉलम टू पे कॉलम टू प्लस कॉलम वन, कॉलम थ्री पे कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखना।
कॉलम टू पे ऑपरेशन लगा तो पहले कॉलम टू प्लस और माइनस जो भी होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, अब हमारा कॉलम वन आ गया माइनस वन वन वन, और ऐड किया कॉलम टू प्लस कॉलम वन क्या माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, और वन और वन टू। अब कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन वन माइनस वन जीरो, वन वन टू, और वन माइनस वन जीरो ऐड हो। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ अकॉर्डिंग टू रो वन, एक्सपेंडिंग बाय आर वन, तो क्या बन गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो हमारे पास क्या बचा माइनस वन, और साथ में क्या बचा जीरो टू टू जीरो। एक्सपेंशन का तो पता है हाउ टू एक्सपेंड, तो क्या आ गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस वन, तो यहाँ से जीरो माइनस फोर, जीरो टू टू का फोर, तो हमारे पास क्या बच गया फोर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। देख चेक कर लो, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस फोर फोर हो गया, और ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स में हमेशा प्रैक्टिस से ही आपका जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे, पर प्रैक्टिस ही आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनाएगी, ठीक है। आई होप सो आप सब क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ताकि आपको लास्ट में एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बर्डन ना पड़े आप पे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ अभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे अपने माइंड पे, स्ट्रेस नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान लगाओगे कि हमने कैसे करना है, मेथड क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा लास्ट के लिए। तो प्रूव दैट ये लिखा है ए ए माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी बी बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए और सी, तो इसको प्रूव करना है। ये लिखा है ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है ए ए माइनस सी ए माइनस बी बी माइनस सी बी बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए और सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं चेक कीजिए। अगर देखो देखो ए प्लस बी माइनस सी यहाँ से बन रहा है, यहाँ बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी कहीं से बन रहा है तो बना सकते हैं। तो देखिए चेक करें ए प्लस बी माइनस सी, अगर मैं कॉलम वन करूँ, अब ये देखो कॉलम वन और कॉलम टू को ऐड कर दूँ तो ए प्लस बी माइनस सी, नेक्स्ट ए माइनस बी बी माइनस ए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी यहाँ पे बन जाएगा। और अब कोई और नेक्स्ट फैक्टर बी प्लस सी माइनस ए, अभी ऑपरेट करके बताता हूँ, ठीक है। बी प्लस सी माइनस ए कैसे बनेगा, देखिए चेक करो बी बी माइनस सी और प्लस सी माइनस बी, ये तो बन गया जीरो, बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए। अब ऑपरेट करेंगे आपको अच्छे से पता चलेगा कि कॉलम वन पे ऑपरेट कर रहा हूँ कॉलम वन प्लस कॉलम टू, और कॉलम टू पे ऑपरेट कर रहा हूँ मैं कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, चेक कर लो ये ऑपरेशन लगाए कॉलम वन प्लस कॉलम टू और कॉलम टू पे मैं लगा रहा हूँ कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, चलो तो क्या आ जाएगा हमारे पास चेक करो, ये हमारे पास बन जाएगा चेक करो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी और प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ गया जीरो। अब नेक्स्ट बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी, ये आ गया जीरो, बी प्लस
सी माइनस ए और बी प्लस सी माइनस ए ये बन गया। तो हमारे पास क्या बचा सी माइनस बी सी माइनस ए और सी ये बच गया हमारे पास सी माइनस बी सी माइनस ए और सी बच गया हमारे पास। अब चेक करो कॉलम वन से ये कॉमन आ रहा है कॉलम टू से ये कॉमन आ रहा है टेकिंग ए प्लस बी माइनस सी एंड बी प्लस सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू रिस्पेक्टिवली। मैं ये कॉमन निकाल लूंगा और हमारे पास क्या बच गया ए प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए तो बच क्या गया हमारे पास वन 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 जीरो जीरो वन वन सी माइनस बी सी माइनस ए और सी ये बच गया हमारे पास। चेक करो ये बच गया सी माइनस बी सी माइनस ए ये बच गया। अब हमारे दो फैक्टर तो आ गए ए प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए तो आ गए। तो अगर अगर मैं यहाँ पे जीरो बना लूँ तो एक्सपेंड कर दूंगा तो जीरो बनाने के लिए मुझे क्या मांग क्या करना पड़ेगा ऑपरेट आर टू पे आर टू माइनस आर वन। अगर मैं ये ऑपरेशन कर दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास चेक करो क्या बचेगा हमारे पास एक बार चेक कर लो। अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ आर टू पे आर टू माइनस आर वन तो ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए ये तो ऐसे आ गए वन जीरो सी माइनस बी वन माइनस वन जीरो वन माइनस जीरो वन सी सी माइनस ए और माइनस सी माइनस बी ये आ रहा था सी माइनस ए और माइनस सी माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी प्लस बी तो क्या बच गया हमारे पास सी कैंसिल हो गया ये बचा माइनस ए प्लस बी ये बच गया हमारे पास। तो रो थर्ड ऐसे ही ऐसे ही तो ये बच गया अब वन जीरो जीरो तो एक्सपेंड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू कॉलम वन एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन तो कॉलम वन के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड करूंगा तो हमारे पास क्या बच गया चेक करो कॉलम वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए तो ये बच गया हमारे पास चेक करो वन है तो वन के अकॉर्डिंग तो अगर वन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए प्लस बी अपॉन सी तो इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए तो क्या गया सी माइनस माइनस ए प्लस बी चेक करो सी माइनस और वन मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए तो चेक करो सी माइनस और माइनस प्लस और माइनस बी तो ये बन गया हमारे पास। तो हमें चेक कर लो ये है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और हमारी ये क्या आगे राइट हैंड साइड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड के ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो एक दो और हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे। चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन के बारे में तो पता है ठीक है तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है लिखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई पाई मतलब 180 डिग्री फाइंड वैल्यू साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस साइन बी कॉस ए प्लस बी साइन बी जीरो माइनस टेन ए कॉस सी टेन ए जीरो ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। अब देखो अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं यहाँ पे तो फाइंड वैल्यू तो क्या करेंगे डेल्टा इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस साइन बी जो गिवन है वो लिख लो कॉस ए प्लस बी
और साइन बी जीरो माइनस टेन ए और कॉस सी टेन ए और जीरो, चेक करो। तो अब गिवन क्या था, गिवन था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई के। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई तो ये साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन पाई बन जाएगा। तो साइन पाई, साइन माइनस 80 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ऑल साइन पाईज आर जीरो, चाहे पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो, फोर पाई हो, सारी ऑल साइन पाईज आर जीरो। साइन 180 डिग्री की वैल्यू चेक कर रहे हैं आप टेबल से, तो वो क्या होती है, जीरो। अब मैं बात करूँ कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, 180 माइनस सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। तो लिखता हूँ मैं पाई माइनस सी, तो आपको मालूम है कॉस 180 डिग्री माइनस सी। तो यू नो दैट कि कॉस 180 यहाँ पे 90 और 90, 180 जो एंगल है वो कॉस को कॉस ही रहता है, कॉस सी आ जाएगा। बट आप चेक करो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव। तो क्या रहेगा, माइनस कॉस। तो क्या रहेगा हमारे पास, माइनस कॉस सी। चेक कर लेना कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस कॉस सी, क्योंकि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल को सीकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस क्या है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। कॉस क्या है, नेगेटिव। अगर लोअर क्लासेस में आपने इस टेबल को, इस क्वाड्रेंट टेबल को, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट टेबल, जैसे हम ग्राफिकली व्यू पॉइंट से बताते हैं कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो 180 माइनस सी दैट मीन्स 180 डिग्री यहाँ पे होता है, 180 इस क्वाड्रेंट में गया और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई, ठीक है। तो अब मैं इसको ये लिखूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे साइन पाई साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी जीरो टेन ए कॉस ए प्लस बी का मतलब पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी माइनस टेन ए और ये क्या आएगा, जीरो। तो अब ये तो हो गया हमारा जो हमने सॉल्व किया, और इससे आगे ऑल साइन पाई इज़ जीरो, साइन पाई इक्वल्स टू जीरो, साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी जीरो टेन ए। तो कॉस पाई माइनस सी क्या आ गया, माइनस कॉस सी माइनस टेन ए और जीरो। अब चेक कर लो, अब आप इसको चेक कर लो, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। अब वो क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है हमारा, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टीज में ही एक और प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि इफ द डिटर्मिनेंट, इफ वी गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो। बट अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखते हो, इसको एक्सपेंड कर दो, अगर आप सॉल्व करोगे तब भी क्या वैल्यू बनेगी, जीरो ही बनेगी, तब भी क्या वैल्यू बनेगी, जीरो। हम एक्सपेंशन के रूप में ही करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, चलो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। तो रो वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जीरो, तो जीरो के लिए ये सारा जीरो हो गया। अब माइनस साइन बी चेक करो, माइनस साइन बी और माइनस साइन बी ये और ये जोड़ देंगे क्या आ गया, माइनस साइन बी मल्टीप्लाई जीरो, तो क्या आ गया, जीरो। और जीरो और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया टेन ए कॉस सी, और प्लस कॉस सी, और उसके बाद कॉस सी के बाद मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बाय रो वन, जीरो के लिए ये सारा बन गया जीरो, और माइनस साइन बी तो क्या आ गया,
माइनस साइन बी क्या आ गया जीरो, चेक करो माइनस साइन बी ए छोड़ेंगे और क्या आ गया माइनस साइन बी मल्टीप्लाई जीरो जीरो और प्लस टेन ए कॉस। अब क्या आ गया कॉस सी कॉस ये छोड़ देंगे तो क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन बी मल्टीप्लाई टेन ए, माइनस साइन बी मल्टीप्लाई माइनस टेन ए तो आ गया साइन बी टेन ए और माइनस क्या आ गया जीरो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, चेक करो तो ये हमारे पास बन गया माइनस साइन बी टेन ए कॉस सी, तो ये भी बन गया साइन बी टेन ए कॉस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं ये क्या आ जाता है जीरो। तो एक्सपेंड करके भी हमारे पास आंसर क्या आता है जीरो। बट अगर अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता, जो मैंने अभी फैक्टर बोला आपको प्रॉपर्टी के बारे में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक वो होती है कि जहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होता है, अगर उसका मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या हो जाएगा माइनस ए। तो अब चेक करो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, चेक कर लेना अगर आप चेक करना चाहो तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि ये जो डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके देख लो तो वो क्या बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं इसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करूँ तो रोज टू कॉलम कॉलम टू रोज तो ये बन जाएगा, इसका इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट चला था इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो क्या साइन बी जीरो माइनस टेन ए सॉरी कॉस सी टेन ए और जीरो। तो आपको मालूम है अगर मैट्रिक्स में कॉमन निकालते हैं कोई चीज़ या मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ या सारे के सारे एलिमेंट से कॉमन आते हैं, बट डिटरमिनेंट में कुछ और तरीके से हम हर एक कॉलम या हर एक रो से ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो आ गया माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो फिर आ गया माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला फिर आ गया माइनस वन, तो ये बन गया क्या चेक करो बन गया जीरो साइन बी कॉस ए माइनस साइन बी जीरो टेन ए कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस टेन ए और जीरो, चेक करो ये फिर वो ही डिटर्मिनेंट बन गया, ये क्या बन गया डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 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 माइनस, तो ये क्या गया डिटर्मिनेंट है। तो अब देखो इसका मैंने डेल्टा डैश क्या निकाला माइनस डेल्टा, तो ये क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है उसको अगर एक्सपेंड करके देख लो तब भी आंसर जीरो आया, नहीं तो डायरेक्टली हम आंसर जीरो लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, बट साथ में एक कंडीशन हो रहा है कि इट इज़ ऑफ द ऑड ऑर्डर, ये इवन ऑर्डर का नहीं होना चाहिए। ऑड ऑर्डर का मतलब कि ये थ्री बाई थ्री का होना चाहिए, तीन रोज और तीन कॉलम वाला नहीं होना चाहिए, टू रोज और टू कॉलम वाले डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। अब ये तो लिख दिया, अगर हम इसी डिटरमिनेंट का ये आप पॉज कर लीजिए वीडियो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, और अगर मैं दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या आ जाएगा चेक करो क्या लिखूंगा दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज डिटरमिनेंट which is skew symmetric and of odd order, because determinant which is skew symmetric and of odd order always vanish, vanish का मतलब उसकी value क्या आ जाती है zero आ जाती है, उसकी value क्या आ जाती है zero, तो हम directly भी इसको zero लिख सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप सो इस क्वेश्चन का भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। अब देख लो एक डिटरमिनेंट में, सॉरी
एक डिटर्मिनेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज भी यूज हो गई, और साथ में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी मेथड आ गया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी। तो इसका मतलब कि मैं जो है आपस में इंटरकनेक्टेड ही होता है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लिखा है क्वेश्चन कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो ये फिर से आपको आपके लास्ट क्लास में जो किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके बारे में आपको याद दिलाएगा। फोर वाई प्लस सिक्स, फाइव वाई प्लस सेवन, सिक्स वाई प्लस एट, सेवन वाई प्लस नाइन, एट वाई प्लस ए, नाइन वाई प्लस बी और टेन वाई प्लस सी। तो ये फाइंड द वैल्यू, तो इसको डेल्टा लेट करूँगा। टू वाई प्लस फोर, थ्री वाई प्लस फाइव, फोर वाई प्लस सिक्स, फाइव वाई प्लस सेवन, सिक्स वाई प्लस एट, सेवन वाई प्लस नाइन, एट वाई प्लस ए, नाइन वाई प्लस बी, टेन वाई प्लस सी। तो अब जो गिवन है, गिवन क्या है कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किस में है, ए पी में है। तो अगर वो ए पी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नो ए बी सी आर इन ए पी, और आपको ऑनलाइन के तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हों, तो हम क्या करेंगे कि टू बी इक्वल्स क्या होता है, ए प्लस सी के, मतलब कि ए बी सी आर इन ए पी। ए पी का मतलब एक इस प्रोसीजर में जिनका कॉमन डिफरेंस की हो, क्या हो, सेम हो। तो अगर ए बी सी आर इन ए पी, दैट मीन्स वन टू थ्री दीज आर इन ए पी, दैट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई टू, सेकेंड टर्म का डबल टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, दैट इज 2b equals to a plus c। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास, 2b equal to a plus c, कि सेकेंड टर्म का डबल टाइम इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ये थी हमारी, चेक कर लेना, ये भी देखो 2 का 4, 3 प्लस 1 4 इक्वल ही आ गया। तो ये कंडीशन। तो अब मैं इस डिटर्मिनेंट में देखूं, हमारे पास a plus c बनने था, या तो a plus c बना लो, और 2b भी नहीं बन रहा, 2b बना, तो 2b बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो b कहाँ पे है, रो 2 में, तो सेकंड रो को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, r2 by 2, रो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के साथ। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे ही मैं डिवाइड भी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 के साथ डिवाइड हो गया, और हमारे पास 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus 8। अब रो 2 सारी को मैं किससे साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के साथ, तो क्या आ गया, 3 2 का 6, 6y plus 10, 12y plus 16, 18y plus 2b, तो ये बन गया 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus 6, चेक करो, ये बन गया हमारे पास, तो ये बन गया 18y plus 2b, 2b बन गया। अब 2b की वैल्यू क्या है, a plus c, तो क्या मैं 2b की बजाय, चेक कर लो, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स में अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स, तो सारी के सारी मैट्रिक्स को, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे किसी एक रो या एक कॉलम या एक किसी एक रो या कॉलम या
किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी टर्म को डिवाइड करोगे, तो उसी अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट के बाहर भी ऑपरेशन लगेगा। अब मैंने आर टू को मल्टीप्लाई किया टू के साथ, तो टू के साथ मैंने डिवाइड भी करना पड़ा, तो वन बाई टू आ गया। तो सारी के सारी रो को टू के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब टू बी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस सी। तो क्या मैं इसको टू बी की बजाय ए प्लस सी लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैंने ए प्लस सी लिख दिया क्योंकि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो, सिक्स वाई प्लस टेन, ट्वेल्व वाई प्लस सिक्सटीन, एटीन वाई प्लस ए प्लस सी। तो अब चेक करो, अगर मैं आर वन और आर थ्री को ऐड कर दूँ तो वो आर टू के इक्वल बन जाता है। चेक करो, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 7 12, 7 प्लस 9 16, 8 प्लस 10 18 और a प्लस c। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेट r2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, r2 माइनस r1 प्लस r। चेक करो, ये ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, क्या ऑपरेशन लगाऊंगा R2 पे, R2 माइनस R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 और R3 को ऐड करके किससे माइनस करूंगा, R2, किससे माइनस करूंगा R2 से, और किस जगह पे लिखूंगा R2 की जगह। तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई टू, 2 वाई प्लस 4, 5 वाई प्लस 7, 8 वाई प्लस 8। तो चेक कर लो, 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus 8। ये देखो, मैंने रो टू नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि उसमें मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो टू नहीं लिखी क्योंकि मैं उसको ऑपरेशन लगा। तो क्या ऑपरेशन लगा, आर टू पे आर टू माइनस आर वन प्लस आर थ्री। अब आर वन और आर थ्री को ऐड करूंगा, आर वन प्लस आर थ्री, और किससे माइनस करूंगा, आर टू से, आर वन प्लस आर थ्री। चेक करो, 6y plus 10, तो किससे माइनस कर रहा हूँ, 6y प्लस 10 को 6y प्लस 10 से माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली बाकी भी जीरो जीरो, चेक कर लेना सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो, r2 पे क्या है, 6y प्लस 10 माइनस r1 प्लस 8, r1 प्लस 8 क्या आ गया, 2y प्लस 4y 6y, और प्लस 4 प्लस 6 10। जिस चीज से उसी चीज को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारे पास क्या होता है, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, की कोई एक रो या एक कॉलम अगर जीरो बन जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गई, जीरो। आई होप सो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। इसके साथ हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।